प्रभारी मंत्री राम किशोर कावरे ने छात्रावास का औचक निरीक्षण किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास के अधीक्षक को लापरवाही बरतने पर निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री राम किशोर कावरे ने उमरिया छात्रावास का जायजा लिया है, जहां पर छात्रों के लिए उचित व्यवस्था न होने पर, गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था न होने पर और छात्रावास का स्वरूप अस्त व्यस्त होने पर छात्रावास के अधीक्षक को निलंबित करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए हैं। आज मैं हमारे तीनों छात्रावास का निरीक्षण किया और निरीक्षण औचित्य किसी को बताया नहीं। मेरे साथ में कलेक्टर SP साथ में है और मेरे जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के कार्यकर्ता साथ में हैं, विभाग के अधिकारी भी साथ में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोग मुझसे जानकारी पूछे थे कि भैया प्रभारी मंत्री जी आप क्यों आए हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं यथार्थ देखना चाहता हूं और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंतन है उस चिंतन में हमारे बच्चों को वहाँ की व्यवस्था, सरकार जो व्यवस्था करती है वो सुचारू रूप से संपादित हो रहा है कि नहीं वो देखना है। कहीं ना कहीं कमियाँ पाई गई हैं, उस कमियों को ठीक करेंगे और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम सुधार करेंगे, संबंधित के खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ की व्यवस्था को ठीक करेंगे और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए मेरी पहली जिम्मेदारी है चूँकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ। इसलिए अगर बच्चों को किसी प्रकार से जो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है वो साफ सफाई की व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, भोजन की व्यवस्था, सभी तीनों छात्रावास में कहा कि भोजन की व्यवस्था ठीक है, खाने की व्यवस्था उनको ठीक है, किसी प्रकार से उन्होंने कमी नहीं बताई, लेकिन हमने स्वयं यहाँ पे चीज़ों को देखा है और उन चीज़ों को सुधार करेंगे और जहाँ पर मरम्मत कराने की आवश्यकता मरम्मत कराएंगे, जो सुधार हो सकता है सारा का सारा सुधार करेंगे।